स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो भारतीय जलवायु के अंतर्गत हमने भारत में वर्षा के अंतर्गत शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के कारण एवं भारत में शीत ऋतु में किन क्षेत्रों में वर्षा होती है इसके बारे में हम कवर कर चुके हैं। और भारत में वर्षा का दूसरा पार्ट अर्थात ग्रीष्म ऋतु में होने वाली भारत में वर्षा, उसे हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसका मुख्य कारण क्या है, हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिसके कारण भारत में 80-90% वर्षा होती है। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून को पढ़ने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि हम उन मौसम की क्रिया विधियों को जाने, यानी कि उन मौसमी बदलावों को जाने जिसके बाद, यानी कि जिनकी परिणति आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, या फिर सिंपल भाषा में कहें कि मौसम में वे कौन से बदलाव आते हैं जिन बदलावों के बाद जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण भारत में वर्षा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में मौसमी क्रिया विधि, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ITCZ के बारे में पढ़ लिया था, तो अभी मैं आज ITCZ के बारे में आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि पिछली दो वीडियो में हमने डिटेल में इसके बारे में पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सा भी बता देती हूँ कि ITCZ वह क्षेत्र होता है जहां आपका निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, और निम्न दाब का क्षेत्र होने के कारण जो आसपास की हवाएं होती है, यानी कि उच्च दाब वायु क्षेत्र की जो हवाएं होती है आपके निम्न दाब वायु के क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है, यानी कि इन शॉर्ट ITCZ क्षेत्र की ओर जो आपकी हवाएं है आकर्षित होकर क्या है, ऊपर की ओर उठती है। तो ITCZ क्षेत्र कहाँ होता है, जहां आपकी सूर्य की किरणें लघुवत यानी कि सीधी पड़ती है। तो हमें पता है जो आपकी वर्ष भर जो आपकी सूर्य की किरणें आपकी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर आपका ITCZ क्षेत्र होता है, जिसके कारण यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है और आसपास की हवाएं यहाँ आकर्षित होकर ऊपर की ओर उठती है। और शीत ऋतु की ओर हमने देखा था कि जब हमने पढ़ा था कि शीत ऋतु में वर्षा के दौरान जो ITCZ है वह दक्षिण की ओर खिसक जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणों का उत्तरायण होने पर जो ITCZ है क्या होता है, उत्तर की ओर खिसकता है। यानी शीत ऋतु में सूर्य की किरणों का दक्षिणायन, उसके कारण जो ITCZ दक्षिण की ओर खिसकता है, जिसके बाद सूर्य की किरणें आपकी मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। लेकिन शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु में आपका जो सूर्य की किरणों का उत्तरायण होने के कारण जो ITCZ है वापस से आपका उत्तर की ओर खिसकना शुरू हो जाता है, और लगभग 21 जून के आसपास आपका जो ITCZ है वह आपका कर्क रेखा पर स्थापित हो जाता है, और जिसके कारण आपके कर्क रेखा पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तो ये हमने अभी तक पढ़ लिया है, और इसी को आधार बनाते हुए हमारा आज का टॉपिक हम कवर करेंगे। तो चलिए, शीत ऋतु के दौरान एक चीज और हमने पढ़ी थी कि शीत ऋतु के दौरान जो आपकी पछुआ जेट धारा है जो सामान्य स्थिति में भारत से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो जब ITCZ शीत ऋतु के दौरान दक्षिण की ओर खिसकता है तो यह जो आपकी आपकी जो पश्चिमी पछुआ जेट धारा है यह भी दक्षिण की ओर खिसकता है, और इसकी जो एक धारा है आपके भारत में प्रवेश कर जाती है, और इसके कारण हमने देखा था शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो ये तो हमने देखा था शीत ऋतु में, लेकिन शीत ऋतु के बाद जैसे ही आपकी ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होती है, यानी कि जब आपका ITCZ उत्तर की ओर खिसकना शुरू होता है, तो लगभग 25 मार्च यानी कि जब शीत ऋतु के बाद आपकी ग्रीष्म ऋतु आती है, तो जब ITCZ उत्तर की ओर खिसकना शुरू होता है तो 25 मार्च के आसपास लगभग तो ITCZ आपका जो विषुवत रेखा पर दोबारा से विस्थापित हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आपकी जो सूर्य की किरणें सीधी पड़नी शुरू हो जाती है। इसके बाद लगभग मार्च अप्रैल के महीने में जब ITCZ आपका उत्तर की ओर खिसक रहा है, तो वह पछुआ जेट धारा जिसकी दक्षिणी शाखा शीत ऋतु के दौरान भारत में प्रवेश कर गई थी, यह अब कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ITCZ है वह उत्तर की ओर खिसकने लग जाता है, और पछुआ जेट धारा जब यह कमजोर पड़ने लग जाती है तो यह भी क्या है, उत्तर की ओर खिसक जाती है, और जिसके कारण यह विस्थापित होकर कहां चली जाती है, दोबारा से भारत से उत्तर की ओर इसका प्रभाव हो जाता है। और जब इस पछुआ जेट धारा का प्रभाव भारत से उत्तर की ओर होता है, यानी कि पहले इसकी क्या स्थिति थी, पहले यह भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इसका प्रभाव था, लेकिन जब यह पछुआ जेट धारा यह विस्थापित होकर भारत से उत्तर की ओर प्रवाह हो रही है, उसके बाद
इस क्षेत्र में क्या होगा, निर्वात या वैक्यूम की स्थिति बन जाती है। अतः यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर या निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और एक चीज हमें पता है कि जो हवाएं हैं वे कहां से कहां चलती हैं, आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, यानी कि उच्च दाब वायु क्षेत्र से लो जो निम्न दाब वायु क्षेत्र है वहां तक आपकी हवा चलती है। ये पता ही हमें, जहां पर हाई प्रेशर होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा हवा चलती है। तो यह निम्न, यहाँ पर जो क्षेत्र है यह क्या है, निम्न दाब का क्षेत्र है। यहाँ जो हवाएं हैं वे हवाएं कौन से आकर्षित होंगी, वे हवाएं जो कि उच्च दाब की हवाएं हैं, इनकी हाई प्रेशर वाली जो हवाएं हैं आपके लो प्रेशर की ओर आकर्षित होंगी। तो ये आपके इस आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है। और यही कारण है कि जो मार्च अप्रैल के महीने में आपने देखा होगा, मार्च के लास्ट में यानी कि 25 मार्च के बाद आप देखेंगे, तो मार्च के एंडिंग में और अप्रैल की स्टार्टिंग में यानी कि लगभग पूरे अप्रैल में आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपके धूल भरी आंधियां चलती है। तो ये इसका क्या कारण है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, आपका लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है और इस क्षेत्र की ओर आपकी जो हाई प्रेशर की जो हवाएं हैं यानी उच्च दाब वायु क्षेत्र वाली जो हवाएं हैं इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है। और जब ये हवाएं इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगी तो ये हवाएं ऊपर की ओर उठती है और क्या करती है, यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जब ये वायु हवाएं यहाँ आकर्षित होती है तो ये ऊपर की ओर उठती है तो ये वर्षा क्यों नहीं कराती, तो वर्षा कैसे करवाएंगे जब इनके पास कोई मतलब आर्द्रता युक्त हवाएं ही नहीं है। वर्षा तभी होती है जब हवाओं में नमी होती है, लेकिन चूंकि ये जो हवाएं हैं आपके कौन से क्षेत्र से आ रही है, सभी आपके स्थलीय क्षेत्र से आ रही है। अगर आप यहाँ पर आपका जलीय स्रोत होता तो मुख्य जलीय स्रोत से ये क्या करती, अपने आर्द्रता ग्रहण कर लेती, लेकिन ये हवाएं हैं कोई आर्द्रता ग्रहण किए नहीं होती, यानी कि ये शुष्क हवाएं हैं, इसलिए ये शुष्क हवाएं आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा नहीं करा पाती, इसीलिए ही यहाँ पर केवल धूल भरी आंधियां चलती है। अगर आपकी यही पवने आपके उत्तरीय क्षेत्रों में चलती तो यहाँ पर वर्षा होती, क्यों, क्योंकि जो हवाएं हैं आपके जो आपका यहाँ पर क्या, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तो इन क्षेत्रों से आपकी जो हवाएं हैं आर्द्रता ग्रहण करती जिसके बाद ये वर्षा कराती, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ पर जो हवाएं हैं ये शुष्क होती है इसलिए वर्षा नहीं करा पाती। तो ये होता है आपका जो एक कारण हमने पढ़ लिया कि मार्च अप्रैल के महीने में धूल भरी आंधियां क्यों चलती है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में, आपको एक चीज बता दूं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन से पहले यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो मौसमी क्रियाविधि होती है, हम अभी अभी हम जो मार्च से लेकर जो जून जुलाई तक क्या परिवर्तन मौसम में आते हैं, मेनली हम वो चीजें देखेंगे जिसकी परिणति आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। तो मार्च अप्रैल में हमने देख लिया धूल भरी आंधी, उसके बाद जैसे हमने देख रहा है, हमने ये पता है कि जो आपका ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो आई टी सी जेड क्या है, आपका उत्तर की ओर खिसकता है। तो अप्रैल में, जैसे मार्च अप्रैल के बाद मई आया है, तो मई में जो आई टी सी जेड उत्तर की ओर खिसक कर भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में प्रवेश कर जाता है। हमें पता है यहाँ कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है और ये आपकी कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच गुजरती है, और यह जो आई टी सी जेड है भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में प्रवेश कर जाता है। कब, लगभग मई के शुरुआती दिनों में, यानी कि एक या दो मई या अब पांच मई तक के, मतलब लगभग इस शुरुआती मई में, यानी कि अब कोई फिक्स डेट नहीं कह सकते कि सिर्फ एक मई को हो या पांच मई को, तो आप कहिए कि मई के शुरुआती दिनों में जो आई टी सी जेड है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण अब आई टी सी जेड यहाँ प्रवेश कर गया है तो यहाँ पर स्थिति कैसे बनेगी, तो थोड़ा सोचिए। तो मैंने आपको बताया था जहां आई टी सी जेड स्थापित होता है वहां क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है, और निम्न दाब का क्षेत्र होगा तो फिर से क्या होगा, इस क्षेत्र की ओर जो है हवाएं आकर्षित होंगी। तो जब ये हवाएं आकर्षित होंगी और ये आप ऊपर की ओर उठेंगी तो ये क्या करेंगी, वर्षा कराएंगी। तो इस क्षेत्र में वर्षा क्यों करा रही है, क्योंकि ये जो हवाएं हैं ये आर्द्रता युक्त यानी कि नमी युक्त हवाएं हैं, क्योंकि हम आसपास देखते हैं आपके बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर क्षेत्र है, इसलिए जो ये हवाएं होती हैं आर्द्रता युक्त होती है, जिसके कारण आपके केरल की जो क्षेत्र है, आपका यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मई में काफी वर्षा होती है, जिसे हम मानसून की फुहार के नाम से भी
जानते हैं। और आपने सुना होगा कि केरल में जो इस दौरान जो यह मानसून की फुहार यानी कि जो केरल में मई के में दिनों में जो यह वर्षा होती है इसे हम क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। अब इस वर्षा का नाम ही अगर आम पर पड़ा है तो कुछ तो कारण होगा कि यह आम्र वर्षा क्यों कहलाती है। तो इस दौरान यानी कि जब यह आम्र वर्षा इस आपके केरल में होती है तो इस दौरान यहाँ पर आम की फसल होती है। तो आम की फसलों के लिए यह वर्षा काफी लाभदायक होती है। क्यों? क्योंकि इस वर्षा के कारण जो आम के पेड़ होते हैं उन पर भोरे आ जाते हैं। तो फल आने से पहले आम के जो फूल आता है जिसे हम भोरे कहते हैं, भोर कहते हैं, तो वो भोर है जो आम का वह आम्र वर्षा के कारण ही आता है। इसलिए चूंकि यह वर्षा आम की फसल के लिए काफी लाभदायक है इसलिए इसका नाम भी क्या है, आम्र वर्षा होता है। तो आम्र वर्षा क्या है अब आप समझ गए होंगे। और इस तरह ये आईटी सीजेंट आपका जो है उत्तर की ओर धीरे धीरे भारत के उत्तर जो की ओर खिसकता जाता है। ये देखिए आपके आईटी सीजेंट उत्तर की ओर खिसकता है। मान लीजिए आपका 2-3 मई है तो यहाँ पर 7 मई, 15 मई, 20 मई इस तरह आपका उत्तर की ओर खिसकता है। और लगभग 21 जून के आसपास जो है आपका आईटी सीजेंट आपके कर्क रेखा पर विस्थापित हो जाता है। यानी कि कर्क रेखा पर यहाँ पर आईटी सीजेंट स्थापित हो गया अर्थात जो है सूर्य की किरणें हैं अब वहां वह कहां सीधी पड़ रही है, आपकी कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है। तो उससे पहले आप ये देखें तो उससे पहले जब आईटी सीजेंट आपका केरल के बाद जब कर्नाटक क्षेत्र में प्रवेश करता है तो कर्नाटक में वही स्थिति दोबारा होगी। जब यह आईटी सीजेंट दोबारा यहाँ पर कर्नाटक में प्रवेश करेगा तो यहाँ भी क्या होगी, वर्षा होगी। और कर्नाटक में होने वाली वर्षा को हम किस नाम से जानते हैं, चेरी ब्लॉसम। तो चेरी ब्लॉसम वर्षा कहाँ की मान जाती है, कर्नाटक की वर्षा। तो ये तो छोटे छोटे टर्म्स है, आप इन्हें लिखते चलिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपसे सिंपली पूछ लिया जाएगा कि आम्र वर्षा कहाँ की वर्षा है। तो ये होगी आपकी केरल से संबंधित, जबकि चेरी ब्लॉसम कहाँ की वर्षा है आपकी, जब वर्षा आईटी सीजेंट जब आपका कर्नाटक में खिसक जाता है उत्तर की ओर, तो जब यहाँ कर्नाटक में वर्षा होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, चेरी ब्लॉसम वर्षा कहते हैं। और इसी तरह जब आपका यह आईटी सीजेंट उत्तर की ओर खिसकने के बाद यह क्षेत्र आपका कौन सा है, आपका पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है। अब पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में आप देखिए, एक तो यहाँ पर देखिए आपका आईटी सीजेंट उत्तर की ओर खिसक रहा है तो एक तो आपका आईटी सीजेंट का क्षेत्र बन गया, दूसरी चीज देखिए आपका यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो इस कारण इस क्षेत्र में यानी कि पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में क्या होते हैं, काफी धूल भरी आंधियां, बिल्कुल नहीं कहेंगे, यहाँ पर बहुत तूफान जैसी स्थिति बनती है और यहाँ पर क्या है, अत्यधिक बारिश भी होती है। इसी कारण जब आईटी सीजेंट इस क्षेत्र में खिसकता है तो इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं, काल वैसाख वर्षा कहते हैं। काल वैसाख, वैसाख जो ऋतु है जो मई के महीना है, लगभग 20-25 मई के आसपास आपके जो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में वर्षा होती है और इस क्षेत्र को हम इस वर्षा को काल वैसाख कहते हैं। वैसाख मतलब मई को हम हिंदी में वैसाख, मई महीने को हिंदी में वैसाख कहते हैं। और चूंकि यहाँ पर तूफान युक्त वर्षा होती है तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इस वर्षा को काल वैसाख वर्षा कहते हैं, जिसका संबंध किससे, आपके पश्चिम बंगाल से है। तो तीन चीजें अभी हमने यहाँ तक फैक्ट वाली पढ़ी है, आम्र वर्षा केरल लिखी नहीं है, दूसरी चीज चेरी ब्लॉसम आप लिख लें, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, तीसरी आपकी काल वैसाख जिसका संबंध आपके पश्चिम बंगाल की वर्षा से है। तो ये हो गया 25 मई तक का क्षेत्र। उसके बाद जब आपका आईटी सीजेंट वाला क्षेत्र उत्तर की ओर और खिसकता है तो मैंने भी बताया था आपको 21 जून को यह जो आईटी सीजेंट है आपके कर्क रेखा पर विस्थापित होता है। यानी यहाँ पर आपका 21 जून पर आपका आईटी सीजेंट यहाँ स्थापित होने लग जाता है, यानी कि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और नोट कर ले कि जो हमें पता है, नहीं पता है तो भी जान ले कि जो स्थल भाग है यानी कि जो स्थलीय क्षेत्र है वह जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है। यह हमारे स्थलीय भूभाग की विशेषता होती है, जो स्थल क्षेत्र है वह जल्दी ठंडा होगा और जल्दी गर्म होता, जबकि जो आपका जलीय क्षेत्र है उसकी क्या विशेषता है, वह धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। और यही कारण है कि जो आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, पूरा तटीय क्षेत्र है, आप दक्षिण भारत के लोगों से पूछेंगे तो आप वहां उनसे पता लगेगा कि वहां ना ज्यादा अधिक वर्षा, ना ज्यादा ठंड होती है और ना ज्यादा गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि इन तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है वह समुद्र के समीप रहते हैं और समुद्र की क्या विशेषता है,
धीरे धीरे ठंडे होते हैं, धीरे धीरे गर्म होते हैं, और इस कारण इन्हें ना ज्यादा ठंड लगती और ना ज्यादा गर्मी लगती है। जबकि उत्तर भारत के क्षेत्र में ठंड भी अधिक होती है और गर्मी भी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि आपका पूरा अंतः प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यानी कि पूरा स्थलीय भाग है, जो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और इसी कारण चूंकि आपका स्थलीय क्षेत्र जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए 21 जून हमने बात की, आपका आर्कटिक आपका कर्क रेखा पर स्थापित हो जाता है। लेकिन 21 जून से पहले ही, यानी कि जून के शुरुआती दिनों में, यानी कि 1 जून के आसपास, जो आपका आर्कटिक है आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विस्थापित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो स्थलीय क्षेत्र है जल्दी गर्म हो जाता है, तो जैसे ही आपका जो आर्कटिक उत्तर की ओर विस्थापित हो जाता है, उत्तर की ओर खिसकता है, तो इस दौरान जो आर्कटिक है आपका पहले ही इस क्षेत्र को गर्म कर देता है, यानी कि जल्दी से गर्म कर देता है। इसलिए 1 जून के आसपास ही जो आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है आपका यहाँ पर आर्कटिक क्षेत्र स्थापित हो जाता है, यानी कि इतना अधिक गर्म हो जाता है, इतना अधिक शक्तिशाली आपका लो प्रेशर की स्थिति इस क्षेत्र में बन जाती है आर्कटिक स्थापित होने के कारण, कि यह अपने आसपास की जो हवाएं हैं इन्हें तो अपनी ओर आकर्षित करता ही है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर का इतना शक्तिशाली लो प्रेशर का वो एरिया बन गया है, तो इसलिए जो हाई प्रेशर की जो हवाएं हैं वे तो इसके पास आएंगी जो इसके आसपास की है, और यह इतना अधिक शक्तिशाली है कि ये वह उन हवाओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है जो आपके अरब सागर एवं हिंद महासागर क्षेत्र से होकर आ रही है। एक मिनट यहाँ पर चीज नोट कर ले। तो मैंने भी बोला कि जो आर्कटिक स्थापित होने के कारण, तो यह जो क्षेत्र है यहाँ पर आर्कटिक स्थापित हो गया, और इसके कारण यहाँ पर जो लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब का जो क्षेत्र है इतना शक्तिशाली हो जाता है कि यह अपने आसपास की जो हवा है उसे तो अपनी ओर आकर्षित करता ही है, उसके साथ वे जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने जो कि आपके अरब सागर से होकर आ रही है उन्हें भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसे हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ ये समझिए। और दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये आपकी दक्षिणी दिशा है, ये पश्चिमी, तो दक्षिण और पश्चिम यानी कि इनके बीच की जो दिशा है ये क्या कहलाती है? आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने। अब जो ये हाई प्रेशर की है, उच्च दाब वायु क्षेत्र की है, और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये पवन जो मानसून पवने हैं ये आकर्षित होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये है आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु में भारत में लगभग 80-90% वर्षा होती है, वह किस कारण होती है? आपके इसी दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के कारण होती है, जो किस ओर आकर्षित होती है? आपके लो प्रेशर की ओर आकर्षित होती है। इसके कारण ये क्या करेंगे? आपके यहाँ पर क्या है? आपका पश्चिमी घाट यानी कि जो है आपका पश्चिमी तटीय क्षेत्र है यहाँ पर आपके टकराती है। उसके बाद हम अगली वीडियो में यहाँ पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये भारत के पश्चिमी तट पर टकराकर अपनी दो शाखाओं में ये विभाजित हो जाती है और लगभग पूरे भारत में ये वर्षा कराती है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है। आज हमने अभी दो चीज पढ़ी और एक चीज हम बताना भूल गई मैं, सॉरी। तो अभी मैंने बताया, उससे पहले थोड़ा सा मैंने यहाँ बता दिया कि 1 जून के आसपास जब आर्कटिक आपका इस क्षेत्र में विस्थापित हो जाता है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि लो प्रेशर की स्थिति बन जाती है। तो लो प्रेशर की स्थिति बनने के कारण जो ये आसपास की जो हवाएं हैं इसे क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर किया है, इतनी अधिक गर्म हवाएं हो जाती है, और ये हवाएं जब अपनी तरफ इतना शक्तिशाली है अपनी ओर खींचेगा, तो ये क्या होंगी? जो गर्म हवाएं हैं ऊपर की ओर उठेंगी, और इन हवाओं को हम क्या कहते हैं? जो यहाँ पर आपके जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? लू कहती है। और लू की क्या विशेषता है? ये शुष्क होती है, यानी कि इनमें कोई आर्द्रता नहीं होती। तो ये इनमें कोई आर्द्रता नहीं होती और लू जो है केवल आपके उत्तर भारत के क्षेत्र में ही बहती है। तो एक हमने पढ़ा था मानसून फुहार, तो मानसून की फुहार जो यहाँ पर हमने देखा था, जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जब आर्कटिक प्रवेश करता है तो यहाँ वर्षा बारिश होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मानसून की फुहार। दूसरी चीज हमने पढ़ी लू, तो लू कब होती है? चलती है आपके जून जुलाई के महीने में चलती है, जब आपका आर्कटिक आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण यह इतना शक्तिशाली होता है कि आसपास की जो गर्म हवाएं हैं यहाँ आकर धधकती है, और ये इस क्षेत्र में आकर ऊपर की ओर जब उठेंगी
तो क्या होंगी ये गर्म हवाएं, इन्हें हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं, और जो कि हमारे जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी काफी हानिकारक है, क्योंकि इनके कारण क्या है, एक तो हमारी जो त्वचा है वह भी सूखी हो जाती है और काफी पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति भी हो जाती है। तो ये है लू। तो ये इसके बाद ही लोग इतना अधिक शक्तिशाली लो प्रेशर क्षेत्र बन जाता है कि उसके बाद ही ये जो हवाएं हैं ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन ये अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये चीज नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस प्रकार जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यह भारत में वर्षा कराते हैं। तो आज की वीडियो में हमने दो चीज कवर की है, एक मानसून की पुहार, दूसरा लू, तीसरा कि वे कौन से मौसम की क्रियाएं विधि है ग्रीष्म ऋतु के दौरान होने वाली जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की मानसून को भारत में प्रवेश कराते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।